जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFSC कोड के विषय में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि IFSC कोड क्या होता है, IFSC कोड का यूज कहां पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब भी आपको आपके बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे तो आपको पहले बैंक जाकर फॉर्म भरना होता था, उसके बाद घंटों लाइन में लगना होता था, तब कहीं जाकर आपके जो पैसे थे वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंच पाते थे। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है, आज सभी बैंक्स ने ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर लिया है। इसी के साथ आज आप घर बैठकर अपने किसी भी बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके बैंक अकाउंट होल्डर का नेम और आपका IFSC कोड। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो है ये मैंने बनाई है IFSC कोड को लेकर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस IFSC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जी हां दोस्तों, ये जो IFSC कोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है सभी बैंक्स के लिए। आज आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड के जरिए तो आपको IFSC कोड की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये जो IFSC कोड होता है ये एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड वो होता है जिसके अंदर अल्फाबेट जैसे ABCD और न्यूमेरिक्स जैसे हमारे 1, 2, 3। दोस्तों जब भी ये दोनों चीज़ें मिलकर कोई कोड बनाती हैं उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, और ऐसा ही होता है हमारा ये जो IFSC कोड होता है वो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 11 डिजिट का IFSC कोड होता है इसके जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो किसी भी बैंक को दर्शाते हैं, किसी बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक 0 होता है जिसको फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखा गया है ताकि कोई और चेंज करना पड़े तो इस 0 को उस पर रिप्लेस किया जा सके। इसके बाद वाले जो 6 डिजिट्स होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को दर्शाते हैं, किसी भी एक ब्रांच को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो IFSC कोड होता है इसको बैंक्स आपको 2-3 तरीके से प्रोवाइड कराती है। पहला जो तरीका है कि आपकी जो पासबुक होती है पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको आपका IFSC कोड दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा भी आपको आपकी जो चेकबुक होती है उसके अंदर भी आपको IFSC कोड बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि IFSC कोड का यूज़ सिर्फ आप डोमेस्टिक या फिर नेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप IFSC कोड का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों इसी के साथ ये जो IFSC कोड है इसका यूज़ सिर्फ इतना नहीं है कि आप इससे पैसे ट्रांसफ़र करें, इसका यूज़ आप किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी ब्रांच की डिटेल्स को कह सकते हैं चेक करने के लिए भी IFSC कोड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे कुछ नॉलेज मिले तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।